ने प्रधानमंत्री को नहीं कहा, विचारधारा को कहा है कि वो जहरीला सांप है। आराम बाबूजी को दरखास्त लिए आप, कहां से आना हुआ? मध्य प्रदेश से मैं आ रहा हूं, पहले ये निपटा लूं जहरीला सांप वाला मसला, पहले जहरीला सांप निपटा लें, फिर होता रहेगा बातचीत होती रहेगी। जी जनाबे आली, धन्यवाद प्रतीक जी। हुजूर, पहले तो आपको, आपके सभी दर्शकों को भारत माता की जय और वंदे मातरम। देखिए ये कांग्रेस की हताशा और कांग्रेस की परिपाटी है कि किस प्रकार से देश के अंदर जो देशभक्त देश के लिए काम कर रहे हैं, जो प्रधानमंत्री गरीबों के लिए राशन के ऊपर काम करते हैं, शौचालय पे काम करते हैं, स्वास्थ्य पे काम करते हैं, देश की सीमाओं की रक्षा के लिए काम करते हैं और इस देश के 140 करोड़ भारतवासियों के लिए सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास सबका प्रयास की बात करते हैं, उनको ये कांग्रेस कभी मौत का सौदागर, जहर की खेती और आज जहरीला सांप कह रहा है। आएंगे, ऑफ कोर्स योर चांस, आप ही का चांस है। कहां से आना है हुजूर? मैं तो दरभंगा का रहने वाला हूं। दरभंगा का तो बड़ा मीठा बड़ा सुरीला है, वहां तो हर आदमी बहुत मीठा है, बोलता ही नहीं है कुछ, बहुत मीठा है बहुत सुरीला है वहां, ये सांप आप और जहर वहर की कोई बात नहीं होती। होती है? बिल्कुल बिल्कुल नहीं होती। हाँ। प्रतीक जी, ये जो सर्फ वाली बात उन्होंने कहा, तो मैं, ये मैडम बैठी है कांग्रेस की प्रवक्ता, मैडम एक चीज मैं बता दूं, और एक हमारे भाईजान बेरोजगारी और महंगाई की भी बात किया था, उनका बहुत पुराना रोना, वो ऐसे ही रोते रहते हैं। कहा गया है संस्कृत में कि सत्यम बुरियात प्रियम बुरियात सत्यम अप्रियम ना बुरियात, जो अप्रिय लगे ना बोलना नहीं चाहिए। रही बात, जब आपके प्रेसिडेंट की भाषा ऐसी अभद्र हो तो समझने वाली बात है कि आप कार्यकर्ता की भाषा कैसे। जब प्रेसिडेंट की भाषा, इसमें कौन सी बड़ी वाह 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 की बात है भाई, खाम खाम वाह 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 वाह, शर्म वाली बात है, इसमें वाह वाह करने की क्या बात है भाई। हाँ बताइए। उपल मध्य प्रदेश सिंगरौली से आया हूँ, वहाँ पर बहुत जल्दी में तो नहीं है? नहीं जल्दी नहीं, मैं तो दरखास्त देना है, एक दरखास्त हमें देनी है। हाँ। मैं कुछ हो गया हूँ क्या? आपसे, आपके यहाँ मुद्दे उठाए तो मेरे मसले हल हो गए। अच्छा, यहाँ उठाए तो हल हो गए? जी सर। आया जनाबे आली जब्बाद साहब, जब आप बोलते हैं तो कार्यकर्ता पे असर पड़ता है और कार्यकर्ता भी फिर वही भाषा बोलता है। देखिए खड़गे साहब ने कुछ बोला और उसके बोलने से पहले विपक्ष के बारे में नेवला किसने कहा विपक्ष को, सांप किसने कहा विपक्ष को, जर्सी गाय किसने कहा विपक्ष को, विधवा कांग्रेस की किसने कहा जाकर के, रेनकोट पहन करके माननीय प्रधानमंत्री जी पूर्व प्रधानमंत्री जी के बारे में किसने कहा, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड किसने कहा, ये सवाल नहीं उठाने चाहिए क्या? ये सवाल नहीं पूछने चाहिए किसने कहा? आज अगर कोई बात कहता है और सुनिए, अभी बता रहा हूँ और सुन लीजिए, वो इस देश के आस्तीन में खुद सांप है, ये खुद सांप है इस देश की आस्तीन में, इस देश की आस्तीन के ये सांप 7 साल से देश को दस्ते रहे हैं और आज प्रधानमंत्री जी इस देश की सुरक्षा के लिए, इस 140 करोड़ जनता के लिए काम कर रहे हैं, गालियां दे रहे हैं उनको। 140 करोड़ जनता के अंदर विपक्ष के लोग आते हैं या नहीं आते हैं? विपक्ष अगर सवाल खड़ा करता है तो उसका जवाब कौन देता है? कौन देगा उसका जवाब? आज खिलाड़ी यहाँ पे बैठे हैं, उसका जवाब कौन देगा? सतपाल मलिक सवाल उठा रहे हैं, कौन देगा? विपक्ष सवाल अडानी के मुद्दे पर उठा रहे, जवाब कौन देगा? 40 जवानों की शहादत। देखिए इन्होंने कहा कि क्या 140 करोड़ में हम आते हैं कि नहीं आते हैं। तुम यदि इस देश को अपना देश मानते हो, आतंकवादियों से प्यार मोहब्बत नहीं रखते हो, इस देश का अपमान, इतना चिल्लाना ठीक नहीं। द पीपल आर फ्रॉम आउट ऑफ कंट्री आर स्टैंडिंग अवे, वो भी देख रहे हैं, मजा ले रहे हैं, तो इतना ना चिल्लाओ कम से कम। लेकिन ये बात जरूर आपत्तिजनक है कि प्रधानमंत्री की तुलना ऐसे जगह से करना जो कि हमारे यहां उपयुक्त नहीं है, कहा ये गलत है।
देखिए, जब किसी महिला के लिए बोला गया, जब किसी मीडिया चैनल ने क्यों नहीं कहा, क्यों कांग्रेस की बिल्कुल गलत है, नहीं बिल्कुल गलत, गलत कहा तो लोग क्यों नहीं आए बीच में, क्यों नहीं बोल रहे, आज क्यों कह रहे हैं सब, जबकि उन्होंने विचारधारा को कहा है, उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की वो पूरी इज्जत करते हैं, उन्होंने विचारधारा पर आवाज उठाई। आज देखिए आप देखिए महिला बैठी हुई है, महिला बैठी हुई है खिलाड़ी, कोई कुछ क्यों नहीं बोल रहा है, क्यों प्रधानमंत्री फोटो खिंचा रहे हैं। एक बात आपको बताऊं, मैं आज बड़ी मजेदार बात बता रहा हूं आज आपको, डिबेट तो रोज होती है, रोज मैं डिबेट करता हूं। रुको भाई, आज ये बड़ी इज्जत कर रहे हैं आपकी, क्योंकि आप पहली बार आए तो उतनी दूर, थैंक यू सो मच, ऐसे ही रहा करिए रोज, आज आपने बड़ी इज्जत करी है, मैं आपको बधाई देता हूं, आज उन्होंने बड़ी शालीनता के साथ आपके साथ पेश आया, ऐसे ही पेश आया करो सबके साथ। बदतमीजी करेंगे लेकिन हम शालीन थे, हैं और रहेंगे। हमारा नेता शालीन है, वो सबके साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबके प्रयास की बात करता है, इनके तरह नहीं जहरीला सांप जो बोलते हैं गालियां देते हैं। क्या बोल रहे हैं, इनको खुद नहीं पता, अगर इतनी फिकर इतनी इनको इतना वो होता तो आज खिलाड़ी अपने ट्रेनिंग कैंप में होते, ना कि वो जंतर मंतर पर बैठे होते। क्यों क्यों नहीं आवाज, क्यों प्रधानमंत्री अनुराग ठाकुर जी का एक बयान मैं देख रहा था, उन्होंने कहा कि 12 घंटे मैं उन लोगों के साथ बैठा, किसी भी थाने में जाके वो रिपोर्ट लिखा सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा, उन्होंने कहा कि जो वुमेन रेसलर है वो भी उस कमेटी में थी, दो चार पॉइंट देख रहा था मैं। ऑफ कोर्स आपके वैलिड पॉइंट्स आप उठाइए। बबीता बोखार फोगाट खुद कह रही है कि उनसे कमेटी में उनसे रिपोर्ट छीन ली गई, उनकी खुद की भाजपा में है ना बबीता फोगाट, तो उनकी बात नहीं सुनी जा रही, तो ये तो खिलाड़ी है, मैं खुद एक महिला हूँ, मुझे पता है आम लड़कियाँ जो यहाँ आई हुई है उनकी आवाज कैसे सुनी जी। बीजेपी बीजेपी का टाइम खा जाओगे, सिर्फ 20 सेकंड। ये जो मेरी बहन बोल रही है, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, एक महिला मेरी बहन, क्या उन्होंने किसी थाने में एप्लीकेशन दी है? यदि एप्लीकेशन दी है तो उसको ट्वीट करके दिखा दीजिए ना, ये राजनीतिक प्रोपोगेंडा है सिर्फ, जिस प्रकार अनुराग ठाकुर ने बोला है। राइट ना, तो प्लीज मैडम, लेट आए आप, लेट आए, थोड़ा ध्यान रखिए। प्रधानमंत्री को जहरीला सांप बोला, वहां से शुरू हुई बात। देखिए ऐसा है प्रतीक जी, मैं आ रहा हूं, ये नफरत की खेती बोने वाले कौन है? 2007 में सोनिया गांधी जी ने पहली बार आदरणीय प्रधानमंत्री जी को मौत का सौदागर बोलने का काम किया। नाना पटोले ने तो यहां तक कहा कि मोदी को मोटी मोटी करके काटने की हम हिम्मत रखते हैं, मोदी को मार देंगे। कभी ये रावण बोलते हैं, कभी जाति सूचक उन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। उसका एक ही कारण आपको समझना चाहिए कि प्रधानमंत्री किसी राजघराने से नहीं आते हैं, प्रधानमंत्री एक गरीब के बेटे हैं। तो ये पता नहीं पा रहे हैं कांग्रेस पार्टी जो हमेशा तुष्टिगण की राजनीति करती है, हमने संतुष्टिगण की राजनीति की है प्रतीक जी, ये लोग पता नहीं पा रहे हैं इसलिए छाती पीटते हैं। और देखिएगा कर्नाटक में भी भारतीय जनता पार्टी की विजय होगी जिस तरह से गुजरात में हुई थी। बहरहाल दोनों तरफ से बातचीत में आ रहा हूं। किसने हाथ उठाया? हाँ बताओ भाई, किसको हाथ उठा रहे थे? कौन, किसको इशारा किसको कर रहे थे? जी सर, बहुत सारी बातें आपने सुनी, दोनों पक्ष की बातें सुनी। एक लिस्ट अगर आप बना लीजिए शिक्षित और अशिक्षित लोगों का, डिबेट आप करते लिस्ट आप बना के लाइए। इतनी ये देश में जो समस्याएं हैं, पॉल्यूशन है, बेरोजगारी है, अशिक्षा है, जो स्वास्थ्य की व्यवस्था है, आप देख लीजिए कि शिक्षित लोगों से नुकसान है या अशिक्षित लोगों से नुकसान है। मैं ये कह रहा हूं कि इस देश को नुकसान अगर कहीं हुआ है तो वह इस देश के महान लोग जो बैठे हुए हैं, आज देश में इन नौनिहालों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता होगा जब वह सुनते हैं कि कांग्रेस देश के प्रधानमंत्री को अगर कहता है कि जहरीली सांप है, अगर देश के प्रधान